एंड तक देखनी है। मैं आपको शॉर्ट ही दे रहा हूँ कि कोई ब्लॉगर आज तक इस साइड पे नहीं आया होगा, ठीक है। किसी ने आज तक ये वाली ब्यूटी नहीं कैचअप की होगी, किसी ने आज तक आप लोग को ये वाली ब्यूटी नहीं दिखाई होगी। ये जनाब मून रेस्टोरेंट में चाय पी, जो नीचे आते हैं बाबूसर टाप से नारांग की तरफ, जो मून रेस्टोरेंट आता है जो बालाकोट से लेके और मून रेस्टोरेंट तक आपको हर एक पत्थर पे मिलेगा मून रेस्टोरेंट, मून रेस्टोरेंट। तो वो ये मून रेस्टोरेंट है। मेन्यू यहाँ की बहुत अच्छी है, आपको बहुत काफ़ी आइटम्स मिल जाते हैं। रात जो है वो नारायण में ही है, तो हो सकता है कल सुबह निकल जाओ, ठीक है। तो ये है जनाब, यहाँ पे बच्चों के झूले शूले भी लगे हुए हैं और इसकी व्यू बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है बैक की।
यहाँ पे कोई झंडे शंडे भी लगे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, चाइना वाइना के, उनके सामने शॉप्स भी हैं। ये जी यहाँ की खूबसूरती, ठीक है अभी जाना तो हमने आगे ही है, लेकिन ये जगह थोड़ी सी खूबसूरत नज़र आई मुझे कि सामने देखें ग्रीन पहाड़ बना हुआ है, ये खूबसूरती, ये सामने देखें वो अभी छोटे छोटे घर आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसी घरों के बीच में से मैंने निकलना है और वहाँ तक पहुँचना है जो मैदान में आपको दिखाने जा रहा हूँ, वहाँ तक मैंने पहुँचना है, तो आप लोग साथ साथ रहें, ठीक है।
फबी अला रब कुमा तो का ज़बान। तो ये है जनाब हमारे रब की हम पे मेहरबानियाँ, हमारे रब की खूबसूरती नज़ारे, हमारे कुदरत के बनाए हुए खूबसूरत नज़ारे। कहीं पे आपको बर्फ़ मिलेगा तो कहीं पे आपको ग्रीन पहाड़ मिलेंगे, कहीं पे आपको ऐसे पहाड़ मिलेंगे जहाँ पे जानवर अपना घास खाते हैं, ठीक है। कहीं पे आपको अल्लाह की ये बनाए हुए चश्मे नज़र आएंगे जो कुदरती है, फ्रेश वाटर, बिल्कुल ठंडा पानी। और ये पूरा ग्राउंड जो मैं आपको इस टाइम दिखा रहा हूँ, ये कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकता, ये कोई इंजीनियर नहीं बना सकता, ये बिल्कुल एक ग्रीन चादर है। ये इतनी ग्रीनरी है कि बिल्कुल एक चादर सा लग रहा है कि बिल्कुल किसी ने एक बहुत बड़ा ग्रीन सा चादर बिछाया हुआ है, ठीक है। और बहुत प्यारा लगा मुझे, बहुत ज़बरदस्त लगा। आप लोग जब भी लालाजार आते हैं, लालाजार में जीप में आते हैं, पैदल आते हैं, मैं खुद पैदल आया हूँ, जीप से उतर के आप लोग लालाजार से ऊपर की एक घंटे की हाइकिंग पे अगर आप लोग आते हैं यहाँ भी जीप है वो, तो यहाँ तक भी वैसे जीप आ जाती है। अगर आप उनसे कहें कि हमें ऊपर मैदान में जाना है तो ये आपको, इसको भी लालाजार ही कहते हैं। इसको कौन सा लालाजार कहते हैं? मैदान कहते हैं। जीप वाले से कहें कि हमें ऊपर मैदान में ले जाएं तो जीप ही यहाँ तक आती है, लेकिन जीप से ज़्यादा मज़ा आप लोगों को हाइकिंग में आएगा। इसलिए आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप लोग जब आएँ तो हाइकिंग पे आएँ, पैदल आएँ, वॉक पे आएँ, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलें वापसी का सफ़र आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं, बटाकुंडी की तरफ। बस जितनी खूबसूरती और जितनी अल्लाह के नज़ारे, कुदरत के नज़ारे देखने थे वो देख भी लें। और आप लोग छोटे से थोड़े से घर बने हुए, और यहाँ की बहुत प्यारी और बहुत ज़बरदस्त व्यू, फुल ग्रीनरी माहौल, बिल्कुल ग्रीनरी। ये देखिए सामने से मैदान सा बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो नीचे रास्ता तो नज़र आ रहा है, इस रास्ते से मैं वहाँ से मैं आया हूँ, वो दो लाइनें आपको नज़र आ रही है, वहाँ से मैं यहाँ तक आया हूँ, ठीक है। तो ये एक ग्रीन मैदान ग्राउंड टाइप बना हुआ है और बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ये देखें फुल ग्रीनरी वाला माहौल है, सामने जानवर वगैरह चल रहे हैं और ये दो चार घर बने हुए हैं, अच्छे अच्छे वाले खूबसूरत घर बने हुए हैं। चलो आपको इसके टॉप पे लेके चलता हूँ कि वहाँ आगे क्या है, मैंने खुद भी नहीं देखा, तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ। आप लोग फ्री में देखते हैं फिर भी वीडियोज़ को नहीं लाइक करते, फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कहाँ कहाँ से आता हूँ गाड़ी में, फिर कहाँ कहाँ से आता हूँ पैदल,
ठीक है, इसके बावजूद आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते, लाइक करते हैं। ये जनाब वो जीपों वाला कच्चा रास्ता है जो मैं आपको दिखा रहा था, ये वही कच्चा रास्ता है, ठीक है, जहाँ पे जीप आते हैं। मैंने वैसे उस रास्ते से जाना था, लेकिन नीचे आके ये पुलों की खूबसूरती इतनी अच्छी लगी है, जो नीचे पुल लगे हुए हैं, तो बस मैंने कहा चलो इसी से चलता हूँ। और वो सामने जो जीपें आपको नज़र आ रही है ना, ये जीपें, ये कच्चा रास्ता है, ठीक है, यहाँ से लोग जाते हैं, ठीक है, लेकिन खूबसूरती बहुत है, पुल निकले हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर से ये खूबसूरती अलहदा है, बहुत प्यारी, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो चलें वापसी का सफ़र, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन यह है कि वीडियो में मुझे बहुत मज़ा आया, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। चलें चलते हैं, ये जीपों का रास्ता है जो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये जो फाइनल वीडियो, ये लालाजार है पूरा, यहाँ पे कैमरा टाइप बना हुआ है, ग्रीनरी है सारी, वो नीचे एक होटल बना हुआ है, उनका टेंट लगा हुआ है, कितना खूबसूरत। ये देखो होटल बना हुआ है, जीप वाले आखिरी स्टे यहाँ पे करती हैं, जीपें खड़ी हैं, ठीक है। इससे आगे अगर आपने घूमने कर रहे हैं तो आप लोग पैदल जाते हो, और यहाँ पर बस वो ग्रीनरी है जो मैंने आपको पहली वीडियो पिछली वीडियोज़ में दिखाई है। ये देखें जीप का रास्ता है, मैं भी सोच रहा जीप के रास्ते से ना जाऊं, क्योंकि यार उसमें मसला ये है कि जीप के रास्ते में डस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो इसलिए मैं जीप के रास्ते नहीं, मैं जिस रास्ते से आया मैं उसी रास्ते पे जाऊंगा, ठीक है। लेकिन बस जीप वाला रास्ता यही है कि जो जीपें खड़ी हैं ना, ये कच्चे रास्ते से आते, मुकम्मल कच्चा रास्ता है, डस्ट है पूरा, तो मेरा बेड़ा गर्क कर देंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं उसी रास्ते से वापस जाता हूँ, ठीक है।